मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम EVS में नए आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड द टॉपिक नेम इज हाउसेस इन अर्बन एरियाज। तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर 13। और चैप्टर 13 में हमने पढ़ा था कि गांव में किस तरीके के घर होते हैं, कैसे घर होते हैं। गांव में हवेलियां होती हैं, कच्चे घर होते हैं। तो गांव में कैसे घर होते हैं? कच्चे, ठीक है, कच्चा हाउसेस। अब आज हम पढ़ेंगे हाउसेस इन अर्बन एरियाज कि शहरी इलाकों में किस तरीके के घर होते हैं। ऑल द हाउसेस इन अर्बन एरियाज आर पक्का हाउसेस, मतलब अर्बन एरियाज में जो भी घर होते हैं वो कैसे होते हैं? पक्के होते हैं। पक्के घर होने का मतलब वो ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो कैसे हो, पक्के हो। ये नहीं कि हवा आई या फिर पानी आया तो उन घरों को अपने साथ उड़ाकर ले गए, नहीं। तो अर्बन एरियाज में जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं? पक्के होते हैं, बहुत ही अच्छे मटेरियल से बने होते हैं। तो किससे बने होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील, सीमेंट, टाइल्स, ग्लास और मेटल्स। तो किस किस के बने होते हैं? ब्रिक्स, ईंटों के, आयरन के, लोहे के, स्टील के, सीमेंट के, टाइल्स भी लगे होते हैं पक्के घरों में, ग्लास होता है, विंडोज़ में ग्लास लगते हैं ना, और मेटल्स, और बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, जिससे घर के अलग अलग सामानों को बनाया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं विंडोज़ जो लगाई जाती हैं, उसमें स्टील की विंडोज़ होती हैं और उसमें कांच लगाया जाता है ना, ग्लास लगाया जाता है, टाइल्स बिछाए जाते हैं, टाइल्स भी लगवाए जाते हैं, ईंटों से पूरा घर बनता है, लोहे का गेट होता है। तो इस तरीके से पक्के घर बनाए जाते हैं जो कभी भी टूटते नहीं हैं, ठीक है। मतलब तोड़ा जाए तो टूटेंगे, वरना कोई उनको जैसे हवा आई या पानी आया तो वो उनको अपने साथ तोड़कर नहीं ले जा सकती। दे आर वेरी ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग हाउसेस। वो कैसे घर होते हैं? बहुत ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ घर होते हैं, टिके हुए होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग हाउसेस, और कैसे होते हैं? मजबूत घर होते हैं, वो टिकाऊ और मजबूत घर होते हैं, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का मतलब है कि ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसी इमारतें जो कैसी हों, बहुमंजिला हों, मतलब जिसमें बहुत सारी मंजिलें हों। आपने देखा होगा जो भी बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं उसमें कितनी बड़े बड़े घर होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी मंजिलें होती हैं, कितनी सारी बिल्डिंग्स इमारतें होती हैं जिसमें बहुत सारी क्या होती हैं, मंजिल होती हैं। नाउ अ डेज सिटीज आर ऑक्यूपाइड बाई मैनी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स। आज के दिनों में, नाउडेज, आजकल आपने देखा है कि जो सिटीज़ होती हैं, शहरें हैं, उन्हें वो कई बहुत सारी बहुमंजिला इमारतों से घिरे हुए हैं। मतलब बहुत सारे शहरों में क्या है, बहुमंजिला इमारतें हैं, बहुत सारी ऐसी इमारतें, इतनी लंबी लंबी इमारतें होती हैं जिसमें बहुत मंजिलें होती हैं। दीज आर टॉल बिल्डिंग्स। ये कैसी होती हैं? लंबी बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, विद अ नंबर ऑफ फ्लोर्स, और बहुत सारी क्या होती हैं, फ्लोर्स होते हैं, मतलब बहुत सारी इसमें एक के ऊपर घर, ऐसे जैसे हम कह सकते हैं एक घर ये है, इसके ऊपर एक ऊपर, ऐसे बहुत सारे घर एक दूसरे के ऊपर बने हुए होते हैं। और ऐसे मंजिल्स को हम फ्लैट्स भी बोलते हैं, फ्लैट भी बोलते हैं, और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स भी बोलते हैं। ईच फ्लोर हैज़ अ नंबर ऑफ़ फ्लैट्स, और हर एक फ्लोर पर बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, इसमें बहुत सारी फैमिलीज रह सकती हैं। अब जैसे जो लोग अपने शहर को छोड़कर बाहर जॉब करने जाते हैं तो उनको रहना पड़ता है, वहाँ पर ही रह सेटल होना पड़ता है, तो ऐसे लोग कहाँ रह लेते हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स में रह लेते हैं। कॉलोनीज़ होती है ना इस तरीके की, उस कॉलोनीज़ में या मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स में वो रहते हैं। देखिए मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाती हूँ, ओके। देखिए ये होती है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स, आपको दिखाई दे रहे ना कितने सारे इसमें मंजिलें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितनी सारी मंजिलें बनी हुई हैं, और इससे बड़ी बड़ी मंजिलें होती हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो लोग होते हैं वो रहते हैं, अलग अलग फैमिलीज अलग अलग
जैसे कोई फैमिली इसमें, किसी में इसमें, किसी में इसमें, तो अलग अलग फैमिलीज इन बड़े बड़े घरों में, बहुमंजिलों इमारतों में रहते हैं। ठीक है, और देखिए आगे, ये देखिए ये भी क्या है, बहुमंजिल इमारतें हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। ये देखो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है ना, तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। ये तो आपने यहाँ पर नहीं देखे होंगे, लेकिन जब आप मुंबई जाएंगे या फिर दिल्ली जाएंगे और बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, तो वहाँ पर ऐसे बड़े बड़े घर होते हैं, बहुत हाईफाई घर होते हैं, बहुत ही सुंदर घर होते हैं। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लम्स। क्या है ये? स्लम्स। और आपने देखा अभी हमने पढ़ा मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स के बारे में, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्लम्स। स्लम्स क्या होते हैं? मैनी पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाय और बिल्ड हाउसेस फॉर देमसेल्फ लिव इन दीज स्लम्स। अब कई लोग जो अपना घर बना नहीं सकते या अपना घर खरीद नहीं सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना घर बना सके या खरीद सके, तो ऐसे लोग स्लम्स में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? स्लम्स में। आपने देखा ना चौल होती है, इसमें बहुत उबड़ खाबड़ घर बने हुए होते हैं, ना गेट होता है घरों में, बहुत ही गेट नहीं होता, पर्दे लगे रहते हैं बस घर में, तो ऐसे घर जो कहलाते हैं वो स्लम्स कहलाते हैं। अ स्लम इज़ अ क्लस्टर ऑफ हट्स बिल्ट क्लोज टू वन अनदर इन अ सिटी बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्पेस। अब जो स्लम क्या होता है, वो बहुत सारी झोंपड़ियों का एक समूह होता है, बहुत सारी झोंपड़ियाँ बहुत पास पास में, जैसे एक झोंपड़ी ये बहुत पास पास में, क्योंकि वहाँ क्या होती है, जगह कम होती है, तो जगह कम होने की वजह से बहुत पास पास में क्या बनी होती हैं, बहुत सारी झोंपड़ियाँ बनी होती हैं। दे मेक कच्चा हाउसेस विथ चीप एंड रेडली अवेलेबल मटेरियल। मतलब वो अपने कच्चे हाउसेस होते हैं ना, जैसे अपने घर बना लेते हैं, कैसी चीज़ों से, बहुत सस्ती और आसानी से मिलने वाली मटेरियल से वो अपना घर बना लेते हैं, जैसे गेट वगैरह नहीं लगवाते, पर्दा लगा लेते हैं, बस एक ही कमरा होता है, वहीं पर वो अपना सारा काम करते हैं, वहीं पर कपड़े धोना, वहीं पर सारे काम करना। तो ऐसे चौल जो होती हैं, मतलब बहुत ही गंदगी होती है, उन चौलों में लोग ज़्यादा साफ सफाई नहीं रखते हैं, बहुत गंदी तरीके से उसमें रहते हैं वो, बट उन्हें इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि वो इतने, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो कुछ खरीद सकें या अपने घर बना सकें। समटाइम्स दे इवन यूज वेस्ट मटेरियल्स टू मेक देयर हट्स। और कभी कभी तो वो ऐसे मटेरियल्स का यूज़ कर लेते हैं, ऐसे सामानों से अपना घर बना लेते हैं जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल से अपने घर को वो बना लेते हैं। स्लम्स आर टोटली अनप्लैंड, अनसेफ एंड अनहाइजीनिक। जो स्लम्स होते हैं वो टोटली अनप्लैंड होते हैं, अनप्लैंड का मतलब कोई प्लानिंग के साथ नहीं बनाए जाते कि यहाँ पर हमें विंडोज़ लगानी है, यहाँ गेट लगवाने हैं या किचन के लिए गेट निकलवाना, कोई प्लानिंग के साथ नहीं बनते हैं, बस वो रफली रहने के लिए कि बस रहना है उसके अंदर, वो रफली बना लिए जाते हैं। और वो कैसे होते हैं? अनसेफ भी होते हैं, अनसेफ इसलिए है क्योंकि कोई भी सेफ तरीक़े से नहीं, गंदगी वहीं पर, कपड़े धो रहे हैं वहीं पर, बच्चे सो रहे हैं वहीं, खाना बन रहा है वहीं पर, सारे काम हो रहे हैं, और मतलब घर में टॉयलेट्स वगैरह भी नहीं होती हैं, बच्चे बाहरी सुबह ही बाहरी करते हैं, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, बहुत अनसेफ होती हैं और अनहाइजीनिक होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी वहाँ पर रहना। वहीं पर फिर क्या होता है, बहुत से बच्चों को बीमारियाँ भी होती हैं इसी वजह से, क्योंकि वो स्लम्स में रहते हैं, अनसेफ है उनके लिए, बट उन्हें रहना इसलिए पड़ता है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने घर बना सकें। ठीक है, अब जैसे मुंबई में, सब पूरे एशिया में, पूरे एशिया में मुंबई शहर में धारावी नाम का एक स्लम है। धारावी जो कहाँ है? मुंबई में है। ये पूरे एशिया में सबसे बड़ा स्लम है, लार्जेस्ट स्लम है। ठीक है, देखिए ये क्या है, स्लम्स। क्या है ये?
स्लम्स। आप देख रहे हैं ना कैसे झोपड़पट्टी बनी हुई है, झोपड़ियाँ बनी हुई हैं और कोई सुख सुविधा ही नहीं है। मतलब लोग बहुत गंदी तरीके से यहाँ पर रहते हैं, यहीं पर खाना पीना, यहीं पर टॉयलेट्स, यहीं पर बाथरूम, वहीं नहा रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, सारे काम वहीं एक ही जगह, क्योंकि उनके पास इतनी जगह ही नहीं होती। जब घर स्पेस कम होगी तो उन्हें छोटी सी जगह में सारे काम करने पड़ते हैं। ये देखिए, ये भी क्या है, ऐसी लोग ऐसी इसमें रहते हैं बहुत गंदी तरीके से। यहाँ पर साफ़ सफाई भी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उन्हें रहना है तो वो रहते हैं यहाँ पर। देखिए, आपने ऐसी जगह देखी होंगी, जब आप जब कहीं जाते हैं तो ट्रैवलिंग करते हैं तो बस या ट्रेन में जब आप बैठे होते हैं तो बाहर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी आपने देखी होंगी, इस तरीके की स्लम्स भी आपने देखे होंगे। तो ये क्या है बच्चों, स्लम्स हैं, ठीक है। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा कि अर्बन एरियाज़ में घर कैसे होते हैं और रूरल एरियाज़ में घर कैसे होते हैं। तो अर्बन एरियाज़ में तो आप लोग खुद रहते हैं, तो आपको खुद पता होगा कि किस तरीके के वहाँ पर घर होते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, हाउसेस देन एंड नाउ। इन अर्लियर टाइम्स ब्रिक्स मड एंड वुड वर द कॉमन मटेरियल्स यूज टू बिल्ड अ हाउस। देखो, जब कोई चीज़ नहीं होती है हमारे पास बनाने के लिए, तो जो चीज़ अवेलेबल होती है हम उसी से अपने घर बना लेते थे। जैसे ईंटें होती थी, मड होते थे, मिट्टी होती थी और लकड़ियाँ होती थी, तो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने घर बना लिया करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे घर बनाने के बहुत सारे, क्योंकि जब इन सब चीज़ों से हम घर बनाते हैं तो हमारे घर क्या होते हैं, मोस्टली टूटने लगते हैं, ख़राब हो जाते हैं, या फिर मान लो कोई तेज़ हवा आई या बहुत तेज़ तूफान सा आया और आपके घर को उड़ा के ले गया, तो ऐसे लोगों को रहने में बहुत दिक्कत आई। फिर जब दिक्कत आई तो और तरीके की मटेरियल्स को डिस्कवर किया गया जिससे हम अपने घर को बना सकते हैं। जैसे टाइल्स आए, सीमेंट आए और ग्लास, स्टील, आयरन, इनका यूज़ करके फिर हमने अपने घरों को बनाना स्टार्ट किया। लैंटेन एंड अर्दन लैम्प्स फॉर यूज्ड फॉर लाइटनिंग। और जो लैंटेन होती है ना, लैंटेन या हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं लैंटर्न, जो लैंटर्न होती हैं या जो मिट्टी के दिए होते हैं, उनका इस्तेमाल करके घर में रोशनी की जाती थी। क्योंकि पहले किसी के घर में कोई बिजली का कनेक्शन ही नहीं होता था, किसी के घर में बिजली आती नहीं थी, कहाँ से वो अपनी पूर्ति करते थे लाइटनिंग। दिन में तो क्या है, दिन में तो वैसे ही रोशनी रहती है, और रात में वो मिट्टी के दिए जला के या फिर लैंटर्न जलाकर अपने घर में रोशनी किया करते थे। और अभी भी है कि अगर कुछ घरों में लाइट चली जाती है तो वो मिट्टी के दिए जला लेते हैं। अब तो इन्वर्टर आ गया है, लेकिन वो मिट्टी के दिए जला लेते हैं या कैंडल्स जला लेते हैं या हम कह सकते हैं लैंटर्न जला लेते हैं। इनका यूज़ करके वो अपने घर में रोशनियाँ करते थे। वेरी फ्यू पीपल हैड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इन देयर हाउसेस। मतलब बहुत कम लोगों के घर में क्या होता था, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हुआ करता था, बहुत कम लोगों के घर में। द हाउसेस हैड हाई रूफ्स एंड प्लेंटी ऑफ डोर्स एंड विंडोज़ फॉर वेंटिलेशन। और बहुत सारे घरों में जो घर होते थे उनकी छतें कैसी होती थी, बहुत ऊंची ऊंची छतें होती थी, और बहुत सारे उनके घर में क्या होते थे, पुराने घरों को अगर हम देखेंगे तो उनमें विंडोज़ या डोर्स बहुत सारे होते थे ताकि हवा वेंटिलेशन के लिए, मतलब हवा का आर पार होने के लिए, कि हवा वहाँ पर बनी रहे, तो हवा के लिए, ताज़ी हवा के लिए वहाँ पर बहुत सारे डोर्स होते थे, बहुत सारे विंडोज़ हुआ करती थी, ठीक है। आगे देखिए, देयर यूज टू बी एन ओपन स्पेस इन द सेंटर ऑफ हाउस वेयर फैमिली मेम्बर्स एंड गेस्ट्स यूज टू सिट ऑन द कॉट्स। और आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे घर अभी भी ऐसे ना, जो अपने दादा दादी के घरों में रह रहे हैं, पुराने घरों में रह रहे हैं, तो उनके घर इसी तरीके से पैटर्न पे बने हुए होते हैं। क्या बीच में बहुत बड़ा सा आंगन होता है जिसमें जो फैमिली मेंबर्स होते हैं या फिर जो गेस्ट होते हैं वो आकर उस फैमिली मेंबर और गेस्ट का वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं, चारपाई बिछा लेते हैं, चारपाई पे बैठकर आराम से बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं।
सीवर पाइप्स वर मेड ऑफ क्ले, और जो नाली के पाइप्स होते थे वो किससे बने हुए करते थे, मिट्टी से बने हुए करते थे, क्योंकि पहले इतनी अच्छी सुविधा ही नहीं थी। धीरे धीरे ही तो सुविधा बनाई गई है, धीरे धीरे ही तो सुविधा हुई है, पहले लेकिन ऐसी कोई सुविधाएं हुआ नहीं करती थी। दे लेड फ्रॉम बाथरूम्स टू सीवर्स, और उनके जो मतलब बाथरूम, जो बाथरूम के पाइप होते थे, मतलब जो बाथरूम में नहाने के लिए अब पानी है तो उस पानी को बाहर कैसे, तो वो पाइप बाथरूम से लेकर कहाँ तक, नाली तक जुड़ा हुआ करता था। एंड ड्रेन्ड इनटू अ नियर बाई रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, या फिर मान लो आसपास कोई नदी है, तो मतलब घर बाथरूम से पाइप कहाँ गया, नाले से, और फिर नाले का जो पाइप होता था वो किसी भी रिवर या किसी भी नदी से जुड़ा हुआ होता था। इट वॉज जनरली अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये सब कहाँ होता था, जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं, जॉइंट फैमिलीज मतलब बहुत सारी फैमिली जिसमें बहुत सारी जनरेशन एक साथ रहती हैं एक ही छत के नीचे। एंड ऑल द वुमेन ऑफ द हाउस यूज टू वर्क टुगेदर इन वन किचन, आप पूछना अपने घर में भी कि मम्मी से जब वो आई थी तो क्या होता था, बहुत सारे लोग एक ही किचन में खाना बनाते थे, सब बहुत सारी जो लेडीज़ होती थी, वुमेन होती थी, वो एक ही घर में एक ही किचन में क्या बनाया करती थी, खाना बनाया करती थी, और सब एक ही किचन से खाना खाया करते थे, सब एक ही किचन में सबका खाना एक साथ बनता था, सब एक साथ बैठकर उस खाने को खाया करते थे। अब तो क्या हो गई है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, सब अकेले अकेले अपने अपना खाना बनाते हैं, अपना खाते हैं। द ब्रेकिंग ऑफ जॉइंट फैमिलीज टू न्यूक्लियर फैमिलीज ब्रॉड चेंजेस इन हाउस, अब क्या हो गया है, जो पहले संयुक्त परिवार थे, जो पहले जॉइंट फैमिलीज थी, अब वो धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट होती जा रही है। पहले लोग सब एक साथ रहा करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, अब पढ़ाई के लिए या फिर हम अच्छे जॉब के लिए या अच्छे इन्वायरमेंट के लिए, अच्छी सराउंडिंग्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। सपोज़ आप अपनी अपने दादा दादी के साथ रह रहे हैं, चाचा चाची भी हैं, ताई ताऊ भी हैं, सब है, बुआ भी है, लेकिन आप को अच्छी सराउंडिंग चाहिए या अच्छी जॉब चाहिए आपके पापा को, तो आपके पापा क्या किसी और सिटी में जाकर सेटल हो जाएंगे, तो किसी और सिटी में सेटल होंगे, तो इससे क्या होगा, जो जॉइंट फैमिलीज होंगी वो धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज में टूटने लगेंगी, क्योंकि पहले सब एक साथ थे, अब कुछ लोग कहीं चले गए, कुछ लोग कहीं चले गए, कुछ लोग कहीं चले गए, तो सब लोग इधर अलग अलग होगा, तो जॉइंट फैमिलीज किस में बदल गई, न्यूक्लियर फैमिलीज में। अब जब जॉइंट फैमिली थी तो बहुत बड़ा घर था, सब बड़े घर में रहा करते थे, लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, बस एक ही फैमिली है, तो वो फिर अपने लिए कैसा घर ढूंढेगी, छोटा घर ढूंढेगी, इसलिए तो जब जॉइंट फैमिलीज बेटर जॉब के लिए, बेटर इन्वायरमेंट के लिए, बेटर सराउंडिंग्स के लिए या बेटर एजुकेशन के लिए जब जॉइंट फैमिलीज किस में चेंज होती चली गई, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में, तो घरों में भी डिफरेंस आ गया, पहले बड़े बड़े घर बनते थे लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं तो अब छोटे छोटे घर बनते हैं। द हाउसेज स्टार्टेड बिकमिंग स्मॉलर टू कैच अ स्मॉलर न्यूक्लियर फैमिलीज, अब जो हाउसेज हो गए हैं, जो घर हैं वो कैसे हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिलीज थी तो बड़े बड़े घर बनते थे, बहुत सारे कमरे बनते थे, आंगन बनता था, लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं तो छोटे छोटे घर, क्योंकि वो एक ही फैमिली है, उनको दो कमरे की ज़रूरत है बस, तो वो अपने लिए कैसा घर बनवाएंगे, छोटा घर बनवाएंगे। द टाइप ऑफ हाउस बींग बिल्ट टूडे डिपेंड्स ऑन द रीजन एंड क्लाइमेट ऑफ द एरिया, और आजकल जिस एरिया में जो घर बनते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का रीजन कैसा है, उसी अकॉर्डिंग। जैसे अगर सपोज़ कोई ऐसा इलाका है, ठंडा इलाका है, तो वहाँ के घर अलग होंगे, वहाँ के घर टोटली बंद होंगे। अब कोई गर्मी वाला इलाका है तो वहाँ के घर थोड़े खुले हुए होंगे, तो मतलब वहाँ के वातावरण की वजह से, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं तो वहाँ के वातावरण की वजह से उन घरों में भी क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। ठीक है,
मतलब पहले के घर और आज के घरों में डिफरेंस है। गांव में जो घर हैं, शहर में जो घर हैं, बड़े बड़े शहरों में जो घर हैं, सब अलग अलग हैं। और जब आप लोग घूमने भी जाते हैं तो बहुत तरीके के घर आपको दिखाई देते हैं। कहीं छोटे घर होते हैं, कहीं बड़े बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, कहीं बड़े बड़े घर होते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंस तो अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चैप्टर आपका यहीं कम्प्लीट होता है। नाउ इट्स योर होमवर्क टू रीड दिस चैप्टर एट होम। ओके, गुड बाय एवरीवन।